जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, 2022 के साल में होली का दहन 17 मार्च गुरुवार के दिन है। ढेरों उपाय मैं अपनी वीडियोज में बता चुकी हूँ, एक और उपाय बता रही हूँ, बहुत बढ़िया है, वर्षों से कर रही हूँ मैं, हमारे घर में हर साल होता है, आप भी जरूर करें। शत्रु तो आपके दब ही जाएंगे, घर में जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी भाग जाएंगी। घर का जो माहौल है वो शुद्ध हो जाता है। अभी मैंने दो दिन पहले ही वीडियो अपलोड की, दो दिन पहले भी नहीं, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हमारे यहाँ तो होली जलती ही नहीं है तो हम क्या करें। कोई बात नहीं है, आपके यहाँ होली ना जलती हो सार्वजनिक रूप से, तो आप अपने घर के बाहर इस क्रिया को कर सकते हैं। आप आम की लकड़ियाँ ले आए, जो हवन की लकड़ियाँ होती हैं आप उन लकड़ियों को ले आए। और वैसे भी दोस्तों, होली में घर से कंडे बना करके जरूर ले जाने चाहिए। हमें याद है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से होली के 8 दिन पहले से घर में 9 ग्रह बनाए जाते थे गोबर से, गाय के गोबर से, छोटे छोटे उपले से। ये चांद है, ये सूरज है, ये गुरु है, ये बुद्ध है, इस टाइप से बनाए जाते थे। और उसमें कुछ खिलौने भी बनाए जाते थे, जैसे ये पिकॉक है, मोर है, ये चिड़िया है, ये वो हाथी है, हाँ हाथी बनाया जाता था। तो इस टाइप के जो है वो बनाए जाते थे। और जब होली का दहन होता था तो ये सारी चीजें हमारी मम्मी बनाती थी और उसमें ऐसे हॉल कर देती थी बीच में, और सभी चीजों को सुखा करके एक बड़ा सा रस्सा लेती थी, रस्से के अंदर ये तमाम चीजों को ऐसे पिरो देती थी, पिरो करके उसको आंगन में ऐसे एक तरफ टांग देती थी। जिस दिन होली का दहन होता था तो वो चीज को ले जा करके होली में डाला जाता था। तो आप इतना सब कुछ ना कर सके तो उपले जरूर ले आए, गाय के गोबर के उपले ले आए, थोड़ी सी लकड़ियां ले आए और अपने घर के बाहर आप छोटी सी होली जला लें, ठीक है। होली का समय दोस्तों रात 9:20 से 10:31 तक का है, तो इन बिटवीन पीरियड आप उसको जला लें। और जो भी उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप पर्सनली कर सकते हैं, ठीक है। होली जलाने से पहले आपको हमेशा अग्नि की पूजा करनी है, होलिका जी की पूजा करनी है, भगवान नारायण की पूजा करनी है, अपनी कुलदेवी की पूजा करनी है। तमाम के नाम से आपको फूल चढ़ाने हैं, कुमकुम चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, कोई भी मीठी चीज का भोग लगाना है। ये तमाम चीजों को करने के बाद ही आपको होली प्रज्वलित करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने उपाय बताए हैं, जो पीली सरसों के फिटकरी के जो भी मैंने उपाय बताए हैं, आप तमाम उपायों को कर सकते हैं। ये समय ही वो समय है जब आप तमाम प्रकार की बुरी चीजों को घर से निकाल सकते हैं, है ना। तो होली का दहन के समय दोस्तों घर से आप कंडे बना करके जरूर ले जाएं, उन्हें आप होली माता को अर्पित करें। उसके साथ ही ज्वार की, मक्का की जो धानी होती है, फुलके होते हैं छोटे छोटे से, उन फुलकों को जरूर अर्पित करें, चावल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें होली माता को, जल चढ़ा करके आप उनकी फेरी लगाएं, जिससे तमाम जन्मों के पाप दूर होते हैं। होली की अग्नि में अपने आप को जरूर तपाएं। और दोस्तों, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ इसको भी आप अवश्य ही करें, बहुत आसान, बहुत साधारण है। आप एक नारियल ले लें, क्योंकि होली में वैसे भी नारियल चढ़ाया ही जाता है, हर घर से नारियल जाता है, तो एक नारियल, जटा वाला नारियल ले लें और होली में आप उसको चढ़ा दें, बराबर। जब वो नारियल जल जाए, मतलब आधा जला हो जाए, जब उसमें अग्नि रह जाए, तो उस नारियल को किसी पेट वगैरह में उठा करके आप अपने घर में ले आए। हमारे घर दोस्तों हर साल आता है, उसे ले आए और उसको थोड़ी सी हवा करें, उसकी अग्नि जलने लग जाएगी। और उस अग्नि में दोस्तों यदि आपके घर में धूप वगैरह रखी है, थोड़ी सी धूप डाल दें और पूरे घर में घुमाएं। धूप वगैरह नहीं भी रखी हो तो आप उसमें ऐसे ही हवा देते हुए पूरे घर में, हर कमरे में उस अग्नि को आप घुमा दें। कोई भी भूत पिशाच जिन उस समय तो उठ करके भाग ही जाएगा घर से, उस समय भूत पिशाच जिंद आपके घर में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और उस अग्नि को दोस्तों
उस नारियल को अपने किचन में रख दे, किचन में कुछ देर उसको रखा रहने दे, उसका धुआं होने दे अच्छे से, मतलब पूरे घर में उसकी अग्नि, उसका जो धुआं है वो फैल जाए, ऐसे रखें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद ही आप उसको फोड़ें और उस नारियल का आप प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण कर लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर में नहीं रहेगी। कुछ लोग तो दोस्तों इसी अग्नि से घर के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और उस अग्नि में सबका पूरे घर के ऊपर से रई वगैरह उतार करके उसमें जला देते हैं। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं दोस्तों, जिन्हें इन रिचुअल्स का पता है उनके घर में यूं भी देखना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटेगी, हमेशा लाइफ एक जैसी बढ़िया चलती रहती है, क्योंकि होली की आग दोस्तों बहुत शुद्ध बहुत पवित्र है। जरूर लाए इसको घर में, होली का दहन वाले दिन 17 मार्च गुरुवार के दिन है, बिल्कुल भी भूले नहीं, जरूर करें उपायों को। कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।